हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर नंबर सेकंड, लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी कौन से पार्ट की थी, और एक्सरसाइज 2.1। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। आइए देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2 क्या है। एक्सरसाइज हमारी 2.2 ये है बेटा। मैंने लास्ट क्लास में आपको एग्जाम्पल बताया था वर्ड्स प्रॉब्लम सम वाले सॉल्व करना, ठीक है। बट अभी हमारा वो आगे आगे क्वेश्चन में आएगा, अब जो है मैं आपको वो सब बताती हूँ, ठीक है बच्चों। ये कितना है हमारा, एट द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है बेटा। ये क्या है 5, ये क्या है 5, 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 5 5 कितने होते हैं 10, 10 का 0 और एक हमारा ऊपर क्या गया कैरी गया। 5 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बच्चों ज़रूरी नहीं है कि आप इसको स्टिक के थ्रू ही करें, आप अपनी फिंगर पे कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप अपनी फिंगर के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें करोगे तो कितनी बुक डर्टी हो जाएगी, आपको बुक डर्टी भी नहीं करनी है ये। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप नोटबुक पे भी स्टिक के थ्रू या सर्कल के थ्रू कर सकते हो, ठीक है बच्चों। बट आप जब बड़ी क्लास में आ चुके हो तो आपको फिंगर पे काउंट करना आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ए पार्ट मैंने बता दिया, बी भी आपको मैं बताती हूँ। 3 3 और 7 कितने होते हैं 10 होते हैं, 10 का 0 एक सर्कल आ गया ऊपर, सॉरी कैरी आ गया ऊपर, और 6 में एक ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। टोटल कितने हो गए 70, क्या हो गया 70। तो सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट और एच पार्ट बेटा ये आपको अपनी बुक में करने हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप लाइव क्लास में इसके से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम हमें ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा। बट अभी तो मैंने फ़िलहाल जो समझाया वो होगा, वो आपको ईजिली समझ में आ गया होगा क्योंकि ये ईजी सम्स है, ठीक है। और ये आई जे के एल एम एन ये सारे आपको बुक में करने हैं। नोटबुक वाला जो वर्क होगा वो मैं आपको नीट एंड क्लीन एक फ़ोटो क्लिक करके बताऊंगी कि कैसे करना है आपको साफ़ सुथरा काम, तो आप तब करना। बट अभी का होमवर्क जो है आपका ये वाला है बुक में करना। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सॉल्व करना है, इसको कैसे करना है ये देखते हैं। देखो ये हमारा 5 है, 5 और 5 कितने हो रहे 10 10 का 0, ठीक है। 0 में एक हमारा कैरी चला गया। 4 और 3 कितने होते 7 7 में एक प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 8, ओके। फिर है आपका 7 और 3 कितने होते हैं 10 10 का 0, 0 आ गया और 0 में हमारा एक कैरी चला गया ऊपर, तो 6 और 2 कितने होते हैं 8 8 में एक प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 9। इसी प्रकार आपको आगे दे रखा 4 और 6 कितने होते हैं 10 10 का 0, 0 में एक कैरी चला गया। 5 3 8 होते हैं, 8 में एक प्लस करोगे तो क्या आएगा 9, ठीक है। 3 और 7 10 होते हैं, 10 का 0 हाँ से लगा एक, सॉरी कैरी चला गया। 3 और 2 5 5 में एक प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 6। तो 1 2 3 4 4 सब मैंने आपको समझा दिए हैं, और बाकी के सम आपको ई से लेकर एन तक आपको किसमें करने हैं, आपको अपनी बुक में फिट करने हैं, ठीक है बच्चों। नीट एंड क्लीन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इज द एट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको क्या करना है ऐड करना है। सभी जितने आपको फॉलोइंग क्वेश्चन दे रखे हैं आपको ऐड करना है। ये कितना है 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये कितना है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए, और ये कितना हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आप सबको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कितना आ गया 20 21 22, तो हमारे पास कितना आएगा 22 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार आपको ए बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट किसमें करना है, आपको अपनी बुक में ही करना है। ई पार्ट और एफ पार्ट और जी पार्ट भी आपको अपनी बुक में ही करना है। नीचे आपको दे रखा है 4 क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, ये है 3 3 डिजिट वाले, कितने 3 डिजिट, मतलब वंस में भी 3 डिजिट है और टेंस में भी हमारे पास कितनी 3 डिजिट है। तो आप इसको कैसे करोगे, जैसे 8 और 8 और 7 को ऐड करोगे, तो मैं आपको स्टिक के थ्रू ही बता रही हूँ फिलहाल, जो आप इजीली से कर सको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 कितने होते हैं 16
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 का 3 यहाँ आ जाएगा, 2 पर कैरी चला जाएगा. ओके, 3 और 2 कितने होते हैं, 5. 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 8. मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे हमारे पास क्या आ गया, 8. तो बेटा ऐसे ही आपको और भी सम सॉल्व करने हैं. तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पी तक, बी से बी टू पी तक आपको क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है, अपनी बुक में ही फिल करने हैं सारे आंसर. जो नोटबुक का वर्क होगा मैं आपको बताऊँगी कैसे करना है, वो आप अपनी नोटबुक में वर्क करोगे. ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन और दे रही मैं आपको, ठीक है, वो करना है. ये है आपका मेंटल टास्क, मतलब कि आपको टास्क कंप्लीट करना है. ठीक है, तो कैसे करोगे ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, ऐड के थ्रू करना है. ये देखो यहाँ पे बोल रखा है ना, 3 + 5 कितना होगा, 8 हो गया, और 13 + 5 कितने हो गए, 18 हो गए, और 23 + 5 कितने हो गए, 28 हो गए. तो इन सबको क्या करना है, आपको ऐड करके यहाँ पे आंसर लिखना है. ठीक है, और आगे के जो हमारे डिजिट होंगे वो उसमें क्या करना है. बेटा ये मैं आपको समझा रही थी, मैंने आपको बताया ना, हर क्वेश्चन से पहले आपको आपकी बुक में एग्जांपल के थ्रू आपको कुछ सम दिए होते हैं कि आप खुद से सेल्फ स्टडी करके वो समझो और उससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए होते हैं वो सॉल्व कर सको. ठीक है बच्चों, तो ये आपको मैंने समझा दिया. तो जैसे 2 + 4 कितने होंगे, 2 + 4 6 होंगे, और 12 + 4 कितने होंगे, 16 होंगे. इसी प्रकार आपको ऐड करना है और बाकी के सवाल आपको अपने बुक में ये फिल करके लेके आना है. तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं कंप्लीट होती है और आगे की एक्सरसाइज जो होगी हमारी वो होगी 3.2. ये वाले क्वेश्चन जो होंगे वर्ड्स प्रॉब्लम के होंगे, जो मैं आपको क्वेश्चन रीड करके समझाऊंगी कैसे करना है. ओके, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है. नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे, ये वाली. ओके, इतना होमवर्क दिया है, आप अपनी बुक में ही करके लेके आना, नीट एंड क्लीन. ओके.